Hello everyone, my name is Nitin Poddar. I am working as an assistant professor at Aft School of Hospitality and Tourism. Aaj hum tea ke baare mein baat karenge. What is tea and why it is so famous, kis tarike se wo manufactured hoti hai. So to understand and to know more about this, please make sure that aap ye video end tak jarur dekhe. Tea, yani ki chai, aaj hum baat karenge kis tarike se ye manufactured hoti hai, kis tarike se isko hum aage process mein finish karte hain. बट उससे पहले मैं कुछ आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताना चाहूँगा रिलेटेड टू टी. टी वॉज एक्चुअली डिस्कवर्ड इन इंडिया इन 1824. 1824 में सबसे पहले इसको डिस्कवर किया था ब्रिटिशर्स ने इंडिया में कि टी के कुछ प्लांट्स हमारे पास अवेलेबल हैं. दैट इज़ इन फ्रंटियर वर्मा. उस टाइम पे उसे वर्मा बोला जाता था, जो आज म्यांमार के नाम से फेमस है, एंड असम बॉर्डर के पास. उसके बाद 1836 में इसको सबसे पहले आप एज अ कमर्शियल ड्रिंक, एज अ रिक्रिएशनल ड्रिंक, एज अ बेवरेज ये फेमस हुई थी और इंडिया में अवेलेबल थी. ये तो हो गई हमारी हिस्ट्री टी के रिलेटेड. नाउ जो टी का प्लांट है जिससे हमारे को चाय पत्ती बनती है, उस प्लांट का नाम है कैमेलिया सिनेंसिस. दिस इज अ साइंटिफिक नेम विच इज कॉल्ड एज कैमेलिया सिनेंसिस. सो जिसका नाम हम जो बुलाते हैं, कई लोगों को नहीं पता होगा, ऑलमोस्ट हमारी आउट ऑफ मतलब 100% पॉपुलेशन 90% चाय पीती है. सो शायद ये एक नई चीज़ उनको आज पता चलेगी कि जो उस प्लांट जिससे हमें चाय पत्ती मिलती है उसको कैमेलिया सिनेंसिस बोला जाता है. टी प्लांट्स के अंदर ऑलरेडी टेनिन्स अवेलेबल रहते हैं जिसको हम कन्वर्ट करके वी बेसिकली मेक देम, जो हमें जो भी फ्लेवर अरोमा आता है वो उसी के वजह से आता है. और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट दैट कि जो टी प्लांट है ये 13 से 15 फीट की हाइट तक जाता है, बट इसकी जो हम प्लगिंग करते हैं, मतलब जो कल्टिवेशन और आपकी जो भी प्रोसेस रहता है, वो हम मैक्सिमम 3 फीट तक इसकी प्लगिंग करते हैं. तो जो पत्तियां तोड़ी जाती हैं वो जैसी वो 3 फीट की हाइट पे पहुंचता है तब हम उसको तोड़ लेते हैं. सो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या होता है? मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का मतलब है किस तरीके से चाय पत्ती आपकी बनती है. जो भी आपके पास आज घर में चाय पत्ती अवेलेबल है तो किस तरीके से उसका प्रोडक्शन होता है, किस तरीके से वो मैन्युफैक्चर्ड होती है अलग अलग जो भी आपकी फर्म्स रहती हैं या टी स्टेट्स जो हैं आपके पास. जैसा कि आप लोगों को पता है, नॉर्थ ईस्ट एंटायर एंड साउथ इज़ वेरी फेमस फॉर प्रोड्यूसिंग टी प्लांट्स. सो वहाँ पे क्यों इसकी ज़्यादा प्रोडक्शन होती है? रीज़न बीइंग द एटमॉस्फेयर, क्लाइमेट, रेनफॉल जो रिक्वायर्ड है टी प्लांट्स को, जो एक उन्हें ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट चाहिए होता है, दैट इज़ बेस्ट सुटेबल आइदर इन नॉर्थ ईस्ट असम, आपका बंगाल साइड में दार्जिलिंग, एंड देन साउथ साइड में यू हैव केरला एंड ऑल दैट पर्टिकुलर प्लेसेस. नाउ आई टेल यू अबाउट द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टी लीव्स. तो सबसे पहले जैसे आप लोगों को मैंने बताया, कैमेलिया सिनेंसिस रॉ मटेरियल आपका, जैसे हमने उसको प्रोड्यूस किया एट अ हाइट ऑफ 3 फीट मैक्सिमम, जनरली 30 इंचेस से 36 इंचेस तक होता है, उसको हम प्लग करेंगे, तोड़ेंगे, जो कि हमारी अपर लीव्स या बड्स को ही हम तोड़ते हैं फॉर बेटर क्वालिटी ऑफ टी. जैसे ही हमने उसको तोड़ा, वी विल डू द विदरिंग ऑफ टी लीव्स. विदरिंग का मतलब छटाई करते हैं. कुछ लीव्स हमारी टूटी हुई होंगी, कुछ छोटी बड़ी, उस हिसाब से हम उसकी छटाई करेंगे. जो अच्छी लीव्स होगी उसको हम अलग कर लेंगे सो दैट नेक्स्ट प्रोसेस में हम उसको यूज कर सकें. जैसे ही हम उसको छटाई करके नेक्स्ट स्टेप में डालेंगे, विच इज़ कॉल्ड एज ड्राइंग ऑफ टी लीव्स, सुखाया जाता है पत्तियों को. क्यों सुखाना जरूरी है? ताकि उसके अंदर जो भी मॉइस्चर अवेलेबल है थोड़ा बहुत, उसको सुखाने के लिए हम वी यूज़ डिफरेंट मैनुअल मेथड्स, पंखे के नीचे या हम ओपन प्लेस में उसको ट्रॉज में फैला के रखते हैं ताकि उसका जो भी मॉइस्चर कंटेंट है वो हम रिड्यूस कर सकें और फिनिश कर सकें. जैसी वो ड्राई होती हैं, इट टेक्स ऑलमोस्ट 16 to 20 hours टू ड्राई द टी लीव्स, देन वी रोल द टी लीव्स. रोल का मतलब होता है उसको हम उसमें हम रोलर्स के थ्रू डिफरेंट बेसिकली जितनी टी लीव्स हैं उसका हम जूस एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं. सो नाउ यू हैव जूस ऑफ टी लीव्स विथ क्रश जो भी आपकी टी लीव्स हैं. अब नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट स्टेज है आपका, विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेज जिसके थ्रू आपके टी को अरोमा, फ्लेवर या कलर मिलता है, दैट इज़ कॉल्ड एज फर्मेंटेशन एंड ऑक्सीडेशन. इसका मतलब होता है जैसे ही आप टी लीव्स तोड़ते हैं तो उसका जो क्लोरोफिल होता है जिससे ग्रीन कलर मिलता है वो ब्रेक डाउन होता है, और जो टेनिन्स अवेलेबल होते हैं उसके अंदर टी लीव्स के अंदर ऑलरेडी, सो वो कन्वर्ट करते हैं दैट बेसिकली कलर, दे गेट डार्कर.
उनका कलर ऑटोमेटिकली वो प्रोसेस फर्मेंटेशन बोलते हैं जिसे हम, दिस इज एन एनएरोबिक फर्मेंटेशन इन टी लीव्स, एंड ऑटोमेटिकली धीरे धीरे उसका कलर चेंज होना स्टार्ट हो जाता है. दे पिकअप देयर अरोमा फ्लेवर एंड एवरीथिंग ड्यूरिंग दिस प्रोसेस. इट टेक्स ऑलमोस्ट 90 मिनट्स टू 100 मिनट्स फॉर दिस प्रोसेस. कम से कम डेढ़ से आपके ऑलमोस्ट आप दो घंटे आपको लगते हैं फर्मेंटेशन होने में. अब जब फर्मेंटेशन चल रहा है तो जैसे ही हमें डिजायर्ड प्रोडक्ट मिलना स्टार्ट हो जाता है, विच मीन्स एक डिजायर्ड हम अलग अलग स्टेजेस पे उसको डिफाइन करते हैं, जो भी उनकी लेबोरेटरीज साइंटिस्ट जैसे डिफाइन करेंगे, हर एक का क्वालिटी चेक होगा, देन वी हैव टू स्टॉप द फर्मेंटेशन. फर्मेंटेशन कैसे रोकी जाएगी? जब आप उसको छोड़ देते हो फर्मेंट होने के लिए, देन वी हैव टू प्रोवाइड देम विद द हीट. जैसे ही आप हीटिंग स्टार्ट करते हो उन टी लीव्स की, देन ऑटोमेटिकली फर्मेंटेशन रुक जाती है. क्यों रोकनी जरूरी है? ताकि जो आपको डिजायर्ड प्रोडक्ट चाहिए वो आपको उसी हिसाब से मिल सके, नहीं तो फर्मेंटेशन कंटिन्यू रहेगी और वो प्रोडक्ट आपका खराब हो सकता है. दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टॉप द फर्मेंटेशन ऑफ टी लीव्स. नाउ द लास्ट थिंग विच इज़ द फिनिश प्रोडक्ट. आप सॉर्टिंग करते हैं, दैट इज सॉर्टिंग ऑफ योर टी एज पर द साइज, एज पर द कलर, एज पर द फ्लेवर. वी सॉर्ट द टी लीव्स एंड इट इज़ रेडी टू सेल इन द मार्केट. सो दिस इज हाउ द टी हैज़ बीन मैन्युफैक्चर्ड एंड दिस इज द प्रोसेस विच इज बीन फॉलोड इन एवरी वेयर, मतलब जहाँ पे भी आपकी टी की मैन्युफैक्चरिंग होती है. सो दिस इज वेरी शॉर्ट एंड क्रिस्प इंफॉर्मेशन अबाउट टी मैन्युफैक्चरिंग हिस्ट्री, स्लाइट बिट ऑफ हिस्ट्री एंड द नेम, साइंटिफिक नेम ऑफ द टी प्लांट. इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू टी मस्ट हैव क्लियर्ड योर बेसिक अंडरस्टैंडिंग. अब आपको पता है किस तरीके से टी मैन्युफैक्चर्ड होती है, प्रोसेस होती है, क्या उसकी बेसिक हिस्ट्री रही है इंडिया में, एंड इस तरह की और भी इंटरेस्टिंग चीज़ें जानने के लिए प्लीज़ फॉलो अस एट एफ्ट स्कूल ऑफ हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म. थैंक यू सो मच.